बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन दिस क्लास, दिस इज़ फ़ाइज़ा शेख एंड यू आर वाचिंग द फ़ाइज़ास लर्निंग वीडियोस क्लास। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जियोमेट्री। बेसिकली FIA के स्टूडेंट, PST के और JST के स्टूडेंट जो हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वरी हैं। वो पूछ रहे हैं कि मैथ में क्या आएगा, किस तरह आएगा। मेरी जो है 34 वीडियोज़ जो हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इंफॉर्मेटिव भी हैं, वो मैंने अपलोड कर दी हैं। वो स्टूडेंट जो न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो वो तमाम जो है मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और जो है मेरा चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको न्यू अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात वो शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। गाइस, मेरे पास दो जो हैं वो मीन्स ग्रुप्स मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर। एक इकरा एकेडमी के नाम से है, जिसमें CSS PCS तमाम जो हैं उसके ब्रिशर्स भी मौजूद हैं, मटेरियल भी मौजूद है। देन जो है एक है एग्ज़ाम सॉल्यूशन के नाम से। दोनों ग्रुप्स का लिंक जो है मैं वीडियो के एंड में आपको कमेंट्स में शेयर कर रही हूँ। जो लोग चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, मटेरियल गेन करना चाहते हैं, तो वो मेरे जो हैं लिंक जो है कॉमेंट्स में जाके लिंक को जो है फॉलो करें और अपना जो है मटीरियल के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन आप घर में कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ मैं वंस अगेन एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा ये चैनल बनाने का पर्पस ये था कि इसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स में, इसमें जो है मल्टी जो है स्टाइल लर्निंग ऑफ आई है मेरे चैनल का नाम, तो इट मींस कि इसमें वो तमाम सब्जेक्ट जो है वो मैं टीच आउट कर रही हूँ, बताती हूँ आपके साथ, अपने पर्सनल नोट्स शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों की नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। तो आप लोग जो है वो मेरे से नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। देन जो है मेरे नोट्स को जो है मैं अपने हाथ के खुद के बनाती हूँ नोट्स, और वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियोस के थ्रू। तो आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री शेप्स को। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट। अच्छा, पॉइंट को लोग बोलते हैं पॉइंट क्या होता है, पीरियड क्या होता है, बट बोथ आर सेम। तो यहाँ पर देखें, द डॉट्स आर नेम पॉइंट। डॉट्स जो होते हैं उनका नाम है पॉइंट्स। मेड फाइन पॉइंट्स और फाइन पॉइंटर्स बनाते हैं हम। यहाँ देखें, मैंने फिगर बनाई फ्लैग की। फ्लैग में जो है ये पॉइंट्स, डॉट्स जिसे आप कह लें या पीरियड कह लें, इनको मैंने कंबाइन टुगेदर किया, देन जो है एक फ्लैग की शेप बना ली, तो इसको कहा जाता है पॉइंट्स। सेकंड देखें, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो है मीन वेरियस पाथ एंड द वेरियस पॉइंट, जिसमें बहुत ज़्यादा पाथ रास्ते हों, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स टुगेदर हों, उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। डिनोटेड बाय AB और BA, हम इसे डिनोट करते हैं AB से और BA से। यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रा की है, आप देख सकते हैं एक फिगर ड्रा है जिसमें A और B इस तरह की शेप आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ ऐसी जो है लाइन्स को मैंने ड्रा की जो कि अप्स डाउन है। अप्स डाउन है, इट मीन्स कि यहाँ पर वेरियस पाथ मौजूद हैं, वेरियस पॉइंट्स मौजूद हैं, जिसको मैंने शो किया PQXY से। तो ये है लाइन सेगमेंट। यहाँ पे फर्दर डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट्स को फर्दर। यहाँ पे मैं डिफरेंट लाइन है, एक मैंने लाइन इस तरह ड्रा की जो XY है, एक लाइन इस तरह ड्रा की स्ट्रेट में जो कि AB से मैंने जो है कंसर्न कर दी, एक लाइन इस तरह स्ट्रेट ड्रा की जिसमें PQ से कंसर्न कर दिया। दीज लाइन सेगमेंट्स आर, ये तमाम लाइन सेगमेंट्स हैं। अच्छा, रे की बात करते हैं। रे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अक्सर जो है स्टूडेंट्स उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि रे होती क्या है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री में जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे। एनी ऑफ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कोई सा भी सेट जो स्ट्रेट हो रहा हो, लाइन्स के थ्रू पासिंग हो रहा हो वन पॉइंट के थ्रू, उसे रे कहा जाता है। अगर अदर डेफिनेशन में देखें तो रे जो है जबी में एक शुआ होती है ऑफ लाइट की और रेडिएशन की, चमक की। तो यहाँ पे कुछ रेज की जो है फिगर मैंने ड्रा की हैं। एक रे है जिसका एरो जो होता है वन साइडेड होता है, एक मैंने लाइन ड्रा की और ए और बी, बी पे जो है वो वन साइडेड एरो मौजूद है। इसी तरह एक इन्वर्स जो है लाइन ड्रा की और ए पे जो है एरो मौजूद है, तो ये रे है। इसी तरह एक और फिगर मैंने ड्रा की जो इस तरह से ट्राइंगल की सूरत में है, तो बट ये हाफ ट्राइंगल है, तो AB जो है यहाँ पे ड्रा की और ऊपर जो है ये इसकी बी में रे है। एक फिगर और मैंने ड्रा की जो डिफरेंट एरेज जो है रेज आपस में मिली हुई हैं, तो यहाँ पे AB CD से हमने इसको कंसर्न कर दिया।
अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन जो होती है विच मीन्स स्ट्रेट लाइन। द लाइन शोज एरोज लेफ्ट एंड राइट। लाइन जो है वो शो करता है एरोज को लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे दो एरोज मौजूद हैं जो लेफ्ट एंड राइट हैं। इसी तरह दो एरोज यहाँ पे मौजूद हैं लेफ्ट एंड राइट पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। एक्स वाई जेड यहाँ पे एक्स वाई। कुछ पर्सनल कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट शेप जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। यहाँ पे कुछ शेप्स के बारे में आपको ज़रूर नो हाउ होनी चाहिए, स्पेशली FIA के। उसमें ये सर्किल है, सर्किल राउंड शेप में होता है। स्क्वायर है, स्क्वायर जो है वो उसके फोर पॉइंट्स होते हैं, चकोर होता है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर चकोर होता है बट थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल लंबा सा होता है ना, लंबान में होता है चकोर। इसके बाद जो है हमारे पास ट्राइंगल है जिसके थ्री पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद जो है वो हेक्सागन है, हेक्सागन के देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट होते हैं। 6 पॉइंट्स मिला के जो फिगर बनाई जाती है उसे हेक्सागन कहते हैं। उसके बाद है स्टार। स्टार आपको पता है एक सितारा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेप्स और जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। पेंटागन, पेंटागन जो है उसके 1, 2, 3, 4, 5 पेंटागन में 5 पॉइंट्स होते हैं। कोई भी शेप बनाए 5 पॉइंट्स के साथ, 5 के पॉइंट्स होने चाहिए। क्यूब, क्यूब जो है वो बिल्कुल इस तरह का होता है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स होते हैं। कोई भी शेप बनाएं जो 7 पॉइंट्स के साथ हो। प्रिजन, प्रिजन आपने सुना होगा कि इस तरह की शेप में होता है, ठीक है, जो ऊपर से थोड़ा सा लॉन्ग नोकीला सा होता है लेकिन नीचे जो है डाउनवर्ड थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ओवल शेप, ओवल जो है राउंड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये थोड़ा सा जैसे रेक्टेंगुलर फैला हुआ होता है, रेक्टेंगुलर में लंबाई में होता है, ये भी ओवल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ये तमाम ज्योमेट्री की बेसिक शेप्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर जो है आपने कंसीडर करना है और मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।